मारुति कुंज स्थित डीएसपी में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। स्कूल की ओर से पत्र जारी कर कहा कि स्कूल की सीबीएसई से कोई मान्यता नहीं, आप कहीं भी एडमिशन के लिए जा सकते हैं। स्कूल की ओर से आए पत्र ने छात्रों के साथ साथ अभिभावकों की भी नींद उड़ा दी। इसी को लेकर अभिभावकों ने गुरुग्राम में विधायक के ऑफिस के सामने जमकर प्रदर्शन किया। अभिभावकों की मांग है कि स्कूल उनके द्वारा जमा कराई गई फीस एवं अन्य शुल्क वापस करे, जिससे वह अपने बच्चों का मान्यता प्राप्त स्कूल में एडमिशन करा सके। वहीं अभिभावकों की माने तो स्कूल पिछले 6 माह से हरियाणा शिक्षा विभाग से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुकी है, लेकिन स्कूल के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। शिक्षा का मंदिर व्यापार का केंद्र बन गया है। सर, मेरा नाम दीपक जैन है, मेरे बच्चे डीपीएस डीएलएफ टीम पढ़ते हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, ये शिक्षा विभाग जो है हमारा बनाया हुआ है, सरकार ने इसका क्या रोल है? इनकी मिली भगत से ये सारा कुछ हो रहा है। जब भी आप शिक्षा विभाग में डीओ बीओ किसी से मिलने जाओ, कोई मिलता नहीं है, खाना पूर्ति करते रहते हैं। अभी कल परसों गए थे जी, तो वहाँ ये कहते जी आप किसी के पास चले जाओ, कुछ नहीं हो सकता आपका। इसका कारण ये है कि मारुति ट्रस्ट के द्वारा ये स्कूल चलाया जा रहा है डीपीएस डीएलएफ सिटी फेज 2 में, ठीक है, जिसकी मान्यता नहीं है। ये मारुति ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा है, मारुति एजुकेशन इसे मीट ग्रुप बोलते हैं, और पिछले कई सालों से चलाया जा रहा है। भैया पहले तो फीस के ऊपर था, क्योंकि अगर उन्होंने पहले हमें वहाँ पे 28 सेक्टर में बच्चों का एडमिशन हुआ था, उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि स्कूल यहीं रहेगा, फिर उन्होंने जहाँ वहाँ से यहाँ फेज 2 में शिफ्ट किया है स्कूल। मेरा नाम शीतल है, मेरे 2 बच्चे मैंने स्कूल में डाले थे। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से कि स्कूल जो कि अब हमें पता चल रहा है कि एफिलेटेड भी नहीं है सीबीएसई से, और पिछले 1 साल से जब से कोविड आया है, कोविड के बाद से हम बिना कोई भी जस्टिफिकेशन मांगे जो फीस हमसे मांगी गई हम देते रहे। पेरेंट्स जो है मेरे पास आज आकर ऑफिस में मिले हैं, उन्होंने बताया है कि डीएलएफ के अंदर कोई स्कूल डीपीएस के नाम से चलता था, उसकी मान्यता नहीं थी, और अब वो स्कूल जो है मारुति कुंज में लेके जा रहे हैं। गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट।